लिमिट के चौथे लेक्चर में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विस्तार के विषय में पढ़ाई करेंगे। सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशंस। फर्स्ट है एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए बराबर हो जाता है एक्स का, यहाँ एक्सपोनेंट है, पावर क्या है एन के बराबर है। तो जब हम एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन में एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस ए टू द पावर एन माइनस वन। हम जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से देख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब बाई एक्स माइनस ए। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को क्या लिखते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाता है तो प्राप्त हो जाता है एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पावर थ्री है तो इसके एक्सपेंशन में यहाँ पावर क्या हो गया है, टू हो गया है। फिर उसके बाद ए इंटू एक्स हो गया है प्लस ए स्क्वायर हो गया है, अर्थात यहाँ पावर थ्री है तो फर्स्ट टर्म में पावर इस एक्स का दो हो गया है। उसके बाद एक्स का जो एक्सपोनेंट है वह डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है, और ए का पावर जो है असेंडिंग ऑर्डर में है। और यहाँ पावर अगर थ्री है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने के बराबर है, थ्री के बराबर है। तो इस आधार पे हम इसको समझ लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए लिखना हो तो ये क्या हो जाता है, ए एक्स प्लस ए हो जाएगा। उसी तरीके से एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब में जब एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब है तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस एक्स का जो एक्सपोनेंट होगा वह डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, घटते हुए क्रम में होगा, और ए का पावर जो होगा बढ़ते हुए क्रम में होगा। ए का पावर यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का पावर वन, एक्स का पावर दो है तो एक्स का पावर वन हो जाएगा प्लस। अब यहाँ ए का पावर बढ़ते हुए क्रम में है तो यहाँ पर वन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। एक्स का पावर यहाँ वन है तो एक्स का पावर जीरो हो गया। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दिखा देते हैं, एक्स टू द पावर फोर माइनस ए टू द पावर फोर अपॉन एक्स माइनस ए बराबर हो जाता है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। अब ये दूसरा है, सेकेंड है एक्सपोनेंशियल सीरीज। फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सीरीज में है ई टू द पावर एक्स। ई एक इरेशनल क्वांटिटी है जिसका वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका वैल्यू टू और थ्री के बीच में लाई करता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 होता है। तो इसका हम लोग जब एक्सपेंशन करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई वन का फैक्टोरियल। जैसे यहाँ एक्सपोनेंट वन है तो उस वन का फैक्टोरियल नीचे हम डिवाइड कर देते हैं। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो फैक्टोरियल टू से डिवाइड करेंगे प्लस एक्स टू द पावर थ्री है तो फैक्टोरियल थ्री से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी। सेकेंड है
ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब हम x की जगह पर क्या रख दें, माइनस एक्स रख दें तो प्राप्त करेंगे, यहाँ वन ज्यों का त्यों रह जाएगा, माइनस माइनस रखा प्लस माइनस माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल वन, फिर यहाँ माइनस एक्स का होल स्क्वायर रखेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू। माइनस एक्स का होल क्यूब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब फैक्टोरियल थ्री। फिर उसी तरीके से माइनस एक्स टू दी पावर फोर तो प्लस एक्स टू दी पावर फोर हो जाएगा टू इन्फिनिटी। तीसरा है लॉगरिथमिक सीरीज, लॉग वन प्लस एक्स का लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल ई पर, बेस एक्सपोनेंशियल ई पर बराबर हो जाता है एक्स, एक्स का पावर वन बाई वन, और यहाँ माइनस डालेंगे एक्स का पावर टू और टू से डिवाइड कर देंगे, यहाँ फैक्टोरियल नहीं यूज करते हैं, प्लस एक्स टू दी पावर थ्री, थ्री से डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए इन्फिनिटी तक जाएंगे, लेकिन यहाँ x पर एक कंडीशन होता है, x लाइन बिटवीन माइनस वन टू वन, माइनस वन को एक्सक्लूड करते हैं लेकिन वन को इंक्लूड करते हैं, x वन के बराबर होगा लेकिन माइनस वन के बराबर नहीं होगा, माइनस वन के बराबर होगा तो वन माइनस वन लॉग जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए यहां पर x का वैल्यू माइनस वन हम नहीं लेते हैं। अब इस x की जगह माइनस एक्स पुट कर दीजिए तो यहां हो गया माइनस एक्स, यहां रख दीजिएगा माइनस एक्स, फिर ये हो जाएगा माइनस जो का त्यों रहेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर यहाँ प्लस है, फिर एक्स की जगह यहाँ माइनस एक्स पुट कर दीजिएगा तो माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स टू दी पावर थ्री बाई थ्री एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो लॉग वन माइनस एक्स बेस ई पर वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। और यहाँ एक्स पर कंडीशन होगा, एक्स भी माइनस वन और वन के बीच में स्थित होगा, माइनस वन के बराबर एक्स होगा लेकिन एक्स वन के बराबर नहीं होगा, वन के बराबर होने पर यह नंबर जो है वन माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, लॉग जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए एक्स का वैल्यू यहाँ पर वन नहीं लेंगे। साइन एक्स का एक्सपेंशन हो जाता है, एक्स का पावर हम वन लेंगे और उसी वन के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो एक्स ज्यों का त्यों रह जाएगा, एक्स टू दी पावर वन बाई वन का फैक्टोरियल, फिर यहाँ माइनस साइन डालेंगे, पावर यहाँ पे वन लिया गया है, अब यहाँ पावर थ्री लिया जाए, ऑड लेते हैं एक्स का पावर, ऑड लेते हैं, ऑड नेचुरल नंबर वन लिया उसके बाद थ्री और यहाँ थ्री का फैक्टोरियल डालते हैं, फिर उसके बाद प्लस स्टार्ट करेंगे प्लस साइन से, उसके बाद माइनस प्लस, फिर ये हो जाता है एक्स टू दी पावर फाइव बाई फाइव का फैक्टोरियल एंड सो ऑन उसी तरीके से अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ एक्स जो है वो रेडियन में, किस में है, रेडियन में, एक्स एक एंगल है, यहाँ साइन एक्स एक्स एंगल है जो किसी में रेडियन में है, कॉस एक्स जहाँ एक्स रेडियन में है, तो ये एक्स टू दी पावर जीरो बाई जीरो का फैक्टोरियल, तो एक्स टू दी पावर जीरो, एक्स टू दी पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और फिर फैक्टोरियल वन, तो फैक्टोरियल वन का वैल्यू क्या होगा, वन होगा, इसमें डिवाइड कर देंगे तो वन बाई वन दैट इज क्या हो जाएगा वन, फिर यहाँ माइनस साइन डालेंगे। अब यहाँ पर इवन नंबर रखते हैं पावर के रूप में, जैसे जीरो से स्टार्ट किया गया जीरो, फिर यहाँ टू तो एक्स स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर फोर बाई फोर का फैक्टोरियल
एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। यहां भी x किसी में होगा, रेडियन में होगा।